हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 106 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है BSC अकेडमी पटना में। जो लोग पटना से हैं, इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। देखो, आज का सवाल क्या है, सवाल को अब समझने का जरूरत है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। कंटेनर ए एंड बी कंटेन्स स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो 3:4। कंटेनर ए में जो है स्पिरिट और वाटर का रेशियो है वो है 3:4 में, ठीक है। एंड कंटेनर बी में जो है स्पिरिट और वाटर का रेशियो वो है 4:5 में, ठीक है। ए एंड बी कंटेन 70 लीटर एंड 90 लीटर सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली। ए में हमारा क्या है, 70 लीटर सॉल्यूशन है, और बी में हमारा क्या है, 90 लीटर। देखो, जैसे ही चीज़ें ये इस तरीके से मिलती है ना, हम लोग यूनिट बेसिस पे इन चीज़ों को थोड़ा दिमाग में ही करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा समय बर्बाद होगा। एकदम आसानी से सेट करके दिया हुआ है, 4:37 यूनिट के वैल्यू 70 लीटर है, तो 1 यूनिट के वैल्यू कितनी होगी 10 लीटर, यानी 3 यूनिट के वैल्यू कितनी होगी 30 लीटर, ठीक है। उसी तरीके से 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 40 लीटर। सेम एज यहाँ पे भी 5:49 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 90 लीटर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 लीटर, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 40 लीटर। एंड यहाँ से हमारा 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 50 लीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है 14 लीटर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम ए इज टेकन आउट। 14 लीटर जो है ए से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि जब इससे हम लोग 14 लीटर बाहर निकालेंगे वो भी तो निकलेगा हमारा ये 3:4 में ही, यानी 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 14 के बराबर है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, यानी 6 लीटर हम लोग स्पिरिट निकालेंगे एंड 8 लीटर हम लोग क्या निकालेंगे, वाटर निकालेंगे, ठीक है। जब स्पिरिट बाहर निकाल देंगे 30 में 6 चला जाएगा यानी कितना 24 लीटर, एंड 40 में 8 चला जाएगा यानी कितना 32 लीटर, ठीक है। ये चीज़ें जब बाहर निकल गई तो आगे क्या दे रखा था हमारा कि रिप्लेस्ड बाई इक्वल अमाउंट ऑफ डीजल। इक्वल अमाउंट ऑफ डीजल के साथ क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ जब डीजल डालेगा तो इसमें एक नई रेशियो आ गई, यानी कि किसकी, डीजल की, जिसकी रेशियो की क्वांटिटी कितनी है 14 लीटर, ठीक है। तो जब 14 लीटर आ गया तो इसका जब मैं रेशियो निकालूंगा तो ये कट के हमारा 12, यहाँ से 16 और यहाँ से क्या देगा 7, यानी क्या रेशियो हो गया 12:16 क्या है 7, ठीक है। फिर आगे देखो, यहाँ पे सेम एज यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, 18 लीटर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम बी इज टेकन आउट। 18 लीटर जो है बी से बाहर निकाल जाता है, तो जब 18 लीटर बाहर निकलेगा तो वो भी किस रेशियो में निकलेगा, 4:5 में। फिर देखो एकदम सेट करके दिया हुआ है, 5:49 की वैल्यू 18 के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, यानी कि 8 लीटर हमारा यहाँ से स्प्रिट निकलेगा, और 5:10 यानी 10 लीटर हमारा वाटर निकलेगा। 40 में 8 चला जाएगा यानी कि 32 लीटर, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 40 लीटर, ठीक है। अब क्या बोला था, इसमें भी वही कंडीशन कि एंड रिप्लेस्ड बाई इक्वल अमाउंट ऑफ डीजल, डीजल इक्वल अमाउंट से रिप्लेस कर देता है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ डीजल से जब रिप्लेस करेंगे तो इसमें जो डीजल हो जाएगा एक नई क्वांटिटी वो कितनी आ जाएगी 18 लीटर, ठीक है। इनके जब मैं रेशियो निकालूंगा तो ये रेशियो मुझे यहाँ से मिलेगा स्प्रिट और वाटर की, यहाँ से 2:16 में, 2:20 में, और 2 हमारा यहाँ पे 9 में, ठीक है। अब देखो मेन सवाल जो होता है ना वो यहीं से शुरू हो रहा है हमारा। मेन सवाल क्या है, नाउ 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ए आर मिक्स्ड विथ 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बी, ठीक है। यानी ए से भी 10 लीटर निकाला जा रहा है, बी से भी 10 लीटर लिया जा रहा है, ठीक है। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ स्पिरिट वाटर डीजल इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। रिजल्टेंट मिक्सचर में स्पिरिट वाटर और डीजल की मात्रा आपको, रेशियो आपको बतानी है, ठीक है। फाइंड द प्रोपोर्शन, रेशियो बतानी है हमें। तो यहाँ पे देखो, रेशियो जब बतानी है तो मुझे ओरिजिनल डाटा से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधी हम यहाँ से बोल सकते हैं ए और बी की जो क्वांटिटी उठाई गई है वो किस रेशियो में, 10:10, यानी कि 1:1 में हमारी उठाई गई है, ठीक है। तो जब 1:1 में उठाई गई, यानी कि ए की भी क्वांटिटी जितनी होगी उतनी ही क्वांटिटी में हम बी भी उठाएंगे, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग ए के बारे में लिखें तो ए में हमारा स्पिरिट कितना है 12, वाटर है हमारा 16, और यहाँ से हमारा डीजल है 7, ठीक है। और यही सेम चीज़ अगर हम लोग बी में लिखें तो बी में हमारा कितना है 16, और यहाँ पे रेशियो जो हमारा है वो है 20, और यहाँ पे रेशियो हमारा है 9, ठीक है। जब 12, 16 और 7 को ऐड करेंगे तो ये ऐड होने के बाद हमें 35 देगा, और यहाँ पे 16, 20 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो ये ऐड होने के बाद 45 देगा। यानी ये 35 और 45 क्या इंडिकेट कर रहा है, स्प्रिट वाटर एंड डीजल, यानी कि टोटल क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा है। क्या ये क्वांटिटी 1:1 में है, नहीं, ये 1:1 में नहीं है। तो इसे हमें क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए क्या, 35 और 45 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। देखो 35 और 45 का जब आप एलसीएम लेने जाओगे तो ईजिली आपको नहीं समझ में आएगा कि हम लोग क्या करें। तो इसको निकालने का 2-3 तरीका आपको
आपको बताता हूँ। देखो दो तीन तरीका क्या है। सबसे पहले क्या है, 35 और 45 नॉर्मली आप जैसे निकालते हो वैसे निकाल दो। 35 को जब आप फैक्टर करोगे तो एक 5 इंटू 7 में आएगा और यहाँ पे 5 इंटू 9 में आएगा। इसे बैलेंस करना है, 5 5 तो दोनों में कॉमन है, यहाँ 7 है यहाँ 9 है, तो इसे अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो बैलेंस हो गया क्या। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करना है, 35 को यहाँ से हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 7 से। 35 इंटू 9 करोगे तो ये भी आपको 315 देगा, 45 इंटू 7 करोगे तो ये भी 315 देगा। जब इधर 7 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये सारी चीज़ें जो है 7 से मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब 7 से ये 9 से मल्टीप्लाई होंगी और ये नीचे वाली जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपकी किससे मल्टीप्लाई होंगी, 7 से मल्टीप्लाई होंगी। तो जब हम लोगों ने इसे 7 से और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हमारा स्पिरिट वाटर और डीजल निकल गया। अब इसी को मिक्स करके हमें फिर से रेशियो में लाना है, तो 12 इंटू 9 करेंगे तो ये हमें देगा 108 और 16 इंटू 7 करेंगे तो ये हमें देगा 112, जिसे ऐड करने के बाद हमें स्पिरिट फाइनली मिलेगा 220, ठीक है रेशियो। फिर यहाँ पे 16 इंटू 9 करेंगे तो ये हमें देगा 144 और 7 इंटू 20 करेंगे तो ये हमें देगा 140, यानी कि वाटर जो आ जाएगा, वाटर की क्वांटिटी जो हो जाएगी रेशियो के अकॉर्डिंग वो हो जाएगी 284, ठीक है। फिर आते हैं डीजल में, डीजल में क्या है हमारा, 9 इंटू 7 करेंगे तो 63 देगा और फिर से 9 इंटू 7 करेंगे तो 63 देगा, यानी कि ये हमारी हो जाएगी 126, यानी कि फाइनल जो हमारा 10-10 लीटर हम लोग ले रहे थे उसके बाद जो रेशियो आ रहा था वो रेशियो हमारा क्या है 224 एंड 126। इसे हम लोग जब फर्दर कट करेंगे तो ये हमें देगा 110, यहाँ से आएगा 142 और यहाँ से आएगा हमारा 63, और इसी के साथ हमारा फाइनल आंसर जो है वो है 110, 142 एंड 63, ठीक है। चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये 10 का कोई यूज़ नहीं है, ये सिर्फ आपको इसलिए दिया है कि यहाँ पे आप इसको सवाल आपके बहुत सारे इस तरीके से ये लाइन को बहुत ट्विस्टेड वे में दिया जाता है कि ए एंड बी आर मिक्स्ड विथ इक्वल क्वांटिटीज़ इन 1:1, 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ए मिक्स विद 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ए और बी जो है सेम रेशियो सेम प्रोपोर्शनेट में मिक्स होगा, यानी कि उसे उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू जो है हमें क्या करनी है, इक्वल करनी है, और इसी के साथ हमें फाइनल आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 110:142:63 किसकी रेशियो है, स्पिरिट वाटर एंड डीजल की रेशियो है 110, 142 एंड 63। होप आप लोगों को ये क्लियर हो।